मैं ऊपर मैम सामने लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? पीछे उधर चलिए बहुत बढ़िया। अर्चना जी आपको अवार्ड तो बहुत मिला पर मीडिया अवार्ड फर्स्ट टाइम मिल रहा है, कितना एक्साइटमेंट है मीडिया अवार्ड के लिए? सो म्यूजिक कैटेगरी में मिला है जो हमारा नया गाना है बजवा शहनाई, दैट हैज बीन अवार्डेड एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस गाने के लिए अवार्ड मिला है। बजवा शहनाई बिल्कुल आज के डेट का, आज के साउंड का बहुत ग्रूवी नंबर है और इसका ऑडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था बट वीडियो फ्राइडे को है लॉन्च, इसका रिलीज ऑन द 10th ऑफ नवंबर एंड इट्स बीइंग रिलीज्ड बाय कामाख्या म्यूजिक और हमारे बीच और इतने सालों से जुड़े हुए हैं। लुक सेंटर सर, लुक सेंटर लुक मुझे आप बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, उसी रिश्ते को निभा रहे हैं तो दिवाली के अवसर पर आप सबको बधाइयां देना है। सर जिस पर आपको बहुत तारीफ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अलग अलग एरियाज में जो अच्छा काम करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है हमारे स्टेट और कंट्री की तरफ, उनको अवॉर्ड किया जा रहा है, उन्हें उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है और आज के दिन ये होना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ डे ऑफ लाइट्स, हमारी जो ऊर्जा है हर तरफ फैलाने का दिन है तो ये पॉजिटिव ऊर्जा हर तरफ फैलेगी मुझे यकीन है। लास्ट में आपको म्यूजिक करके काफ़ी अच्छा प्यार मिला था, रिस्पॉन्स मिला था आपका, मैं तो देखने को मिलेगा तो नया। मैं आपको एक बता रही हूँ, म्यूजिकल तो मेरा चालू ही है बट 26/11 को जिस दिन 15 साल होते हैं मुंबई टेरर अटैक्स को, वहाँ मैं एक बहुत सुंदर म्यूजिकल कर रही हूँ और जो मार्टियर्स हैं उनके फैमिलीज को भी हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, वहाँ अवॉर्ड कर रहे हैं तो आप ज़रूर आइएगा 26/11 को गेटवे ऑफ इंडिया पे 7 बजे। दिस वेन्यू जेड वेन्यू इज लवली, आई केम यहाँ फर्स्ट टाइम, बहुत ओपन है, सुंदर हवा है, नो पोल्यूशन यू कैन सी, तो अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। इस बार दिवाली किस तरह मनाएंगे? दिवाली मैं हमेशा अपने जानवरों को खाना खिला के मनाती हूँ और ऐसा ही मनाना चाहूँगी। ये नई युग का शिक्षा और कैसे लग रहा है? आज मेरी एजेंसी नारद पीआर को मोस्ट वर्सेटाइल इवेंट स्ट्रेटजाइजेशन एजेंसी का अवार्ड मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर समथिंग लाइक दिस। हमारी टीम की वजह से हमारा काम होता है एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ देम एंड लेट अस सो वेल फॉर अस टू गेट दिस। इस दिवाली क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को खास करके? पटाखे मत फोड़ो।
चलिए क्यों वजह कारण पटाखे बिना तेरा दिवाली बनता है थोड़ा तो बोलना पड़ेगा व्हाट वाज द रीजन हमारे घर में जो ज्यादा कुत्ते हैं वो एक पटाखे की आवाज आते तो डर जाते हैं अपने स्ट्रीट्स पे जितने एनिमल्स रहेंगे उनका क्या उनका क्या हाल होगा उन दोनों सर एक सर इधर दीपावली तो दीयों का जो त्यौहार है ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए पटाखे मारे ताकि मुंबई का कंट्रोल में था हमने इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं कि जहाँ पे हमारे 70 के ऊपर पॉल्यूशन का लेवल 25 पे आ गया इससे आगे चलते उसे और बेहतर बनाना है मुंबई की जनता को और इसके लिए जनता का सहयोग चाहिए और हमारे जो स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो हर किसी को मैसेज देंगे पटाखे मत उन्हें दिया जाए ये दीपोत्सव है तो अच्छी तरह से उसको मनाएं अच्छी रंगोली डाले वो करें फूलों का यूज करें सब लेकिन थैंक यू सर बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की बहुत सारी रोशनी सबकी लाइफ में आपको इस कैटेगरी में क्या मिल रहा है उसमें आ गया